हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेत अंकल सीरीज की दूसरी कॉमिक्स हवा। दोस्तों, इस कॉमिक्स के बारे में जानकारी दे दूं कि ये कॉमिक्स जिसने भी स्कैन करी है बहुत ही माशाल्लाह स्कैन करी है। ऐसी स्कैन करी है कि फ्रेम्स कटे हुए हैं और शब्द दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कोशिश करूंगा कि जितना अच्छे से पढ़ सकूं उतना अच्छे से पढ़ लूं। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं इसका पहला भाग। खौफनाक जलजले को देख मजमा देखने वाले हर दर्शक के चेहरे पर आतंक राज कायम हो गया। भागो भागो, उफ ये क्या बला है। लहू जमा देने वाले सर में चित्कार उठा है बला, और फिर मचा तहलका। आई बला उछली झपटी, उसके हलक से निकलने वाली भयंकर आवाजें किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी थी। हुई खून की होली, मुर्दा गला फाड़कर रो पड़ा मातमी अंदाज में। रोंगटे खड़े कर देने वाला दर्दनाक दृश्य था वह। खूनी पंजा पानी की तरह पी रहा था इंसानी लहू। मुर्दा जो रो भी रहा था रुला भी रहा था, वह शैतान जो खाते वक्त इंसान को चबाने की जरूरत महसूस नहीं करता, सांसों से खींच रहा था अपने शिकार को। और वह खोपड़ी वाला चमगादड़, सबके सब मौत तबाही प्रलय और कहर की कहर बरपा रहे थे जो एक ही माला में पिरो दिए गए थे। मारो उसे, वही है वह जादूगरनी जिसने शैतान को प्रकट किया है। मारो मारो इस चुड़ैल को। अरे मैं तो कहता हूँ छोड़ो उस चुड़ैल को और उस राक्षस से अपनी जान बचाओ। गो फास्ट। अगले क्षण कार रौनती चली गई सड़क की छाती को और हवा से लड़ने आ गया एक जाबाज। तूने बहुत खून की होली खेल ली हवा, अब मैं खेलूंगा खून की होली तेरे साथ। था, था। बन गए थे लोगों के लिए दहशत का एक नाम हवा। टक्कू गाड़ी स्टार्ट करो जल्दी, वरना ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। अचानक चौंक उठी प्रेताली, दिमाग की एक एक नस तन गई उसकी। कोबड़ा कौन है ये। पर जाने किस भावावेश में दबा दिया उसने रिमोट का हरा बटन। बटन के दबते ही हवा यूं गायब हुआ जैसे गधे के सिर से सींग। गायब हो गया शैतान हवा। इंस्पेक्टर नंबूरी संपूर्ण शक्ति से जीप की तरफ लपका। मुझे जल्दी ही पहुंचना है अब वहां। तीव्र झटका लेकर जीप बन गई तूफान। उधर प्रेताली की कार के ब्रेक कानपुर स्वर में रो पड़े। भूत के समान ही प्रकट हुई थी दूसरी कार उनके सामने। लाख कोशिशों के बावजूद भी दोनों कारों के माथे टकरा गए। विद्युत गति से खुले दोनों कारों के दरवाजे एक साथ ही दो कदमों ने धरती को चूमा। पल भर को लगा कि शेर के सामने खड़ी हो गई शेरनी। नजरों ही नजरों में तौला एक ने दूसरे को। अचानक करंट का सा झटका लगा दोनों को ही। ये साधारण लेकिन लड़की नहीं है, ये कोई साधारण आदमी नहीं। पर जैसे सन्नाटे को ना तोड़ने की दोनों ने कसम खा रखी थी, एक भी शब्द उगले बिना वापस बढ़े उनके कदम। दोनों को ही जल्दी थी शायद। बिल्डिंग थी सेंट जेवियर स्कूल। जल्दी जाओ, प्रार्थना की घंटी बज चुकी है। प्रेत अंकल, शाम को मुझे लेने जरूर आना। जंगल में आज भी अनाथ बच्चों से वीरान खड़ी थी वह सुनसान हवेली, प्रोफेसर तहलका की हवेली। प्रोफेसर तहलका के बारे में जानने के लिए पढ़े तहलका, जो कि चैनल पे अभी जल्दी ही अपलोड की जाएगी। भूतिया हवेली, जहां जन्म दिया था कभी प्रोफेसर तहलका ने रिमोट से नियंत्रित शैतान को। बाहर से बर्बाद दिख रही वह हवेली अंदर से आबाद थी। प्रेताली बताओ ना, वह हुआ तुमने प्रकट कैसे किया। मैंने नहीं, इस रिमोट ने पैदा किया वह हुआ। हाँ, वे चारों मजमा लगाकर दर्शकों की जेबें काटते थे। रिमोट देखकर उछल पड़े टक्कू कांचा और ठेंगा। रिमोट, ये कहां से आया तुम्हारे पास, कहां से मिला। मिला नहीं, दिया था जब मैं खेल दिखा रही थी। साहिबान देखिए, छड़ी के इन टुकड़ों को मैं अंडा डाल रही हूं, जब मैं इन्हें उठाऊंगी तो जुड़ जाएंगे ये छड़ी के टुकड़े। और तुम जेबे काटने में व्यस्त थे। अब देख लीजिए साहिबान, टुकड़ों ने आपस में जुड़कर छड़ी का रूप ले लिया है। अचानक ही पास आया था सिर से पांव तक कपड़ों में छिपा हुआ इंसान। क्या तुम इन टुकड़ों को जोड़कर भी कुछ बना सकती हो। बिल्कुल, टुकड़े डाले मैंने और अक्षर सिद्ध कर डाली मैंने अपनी बात। लीजिए, ये टुकड़े जुड़कर एक अजीब सा यंत्र बन गए।
अनजाने में ही दब गया था मुझसे वह रिमोट का बटन, टिच, और जाने कहां से एकाएक पैदा हो गया वह तूफान, और फिर अफरा तफरी ऐसी मची कि उस आदमी को भी दोबारा नहीं देख सकी। इसी पल भड़ाक से खुला दरवाजा और खून सूख गया सबका। मैं था वह रहस्यमयी इंसान, इंस्पेक्टर नंबूरी। पलक झपकाना भूल गए सभी जब नजर पड़ी रिवॉल्वर पर। वह रिमोट मेरे हवाले कर दो। प्रेताली के अधरों पर सज गई मुस्कान। तुम एक इंस्पेक्टर होकर हमारी बिरादरी के निकलोगे, सोचा ना था मैंने। क्रोध से तमतमाए नंबूरी ने पकड़ा प्रेताली का हाथ। मेरी वर्दी पर कलंक लगाने से पहले ये देख लो जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। बाहर आ, दहल उठी प्रेताली, झुरझुरी दौड़ गई जिस्म के रोए रोए में। देखो मेरा फूल सा मुन्ना बमों के साय में सांस ले रहा है। पापा कम से कम हाथ तो खोल दो मेरे, मैं स्वयं को इन बमों से अलग कर दूंगा। कसा पिता का दिल बिलख पड़ा। नहीं मुन्ना, उन शक्तिशाली बमों को हाथ लगाते ही तू मुझसे इतनी दूर चला जाएगा जहां से जाकर कोई वापस नहीं आया। और प्रेताली जानती हो ये सब किसने किया? एक रहस्यमय शख्स, कोबड़ा ने। दंग रह जाना पड़ा प्रेताली को उस नाम पर। हाँ, ताकि मैं उस जंगल से रिमोट के टुकड़े ढूंढ कर तुम्हें दूं, और जब तुम वह रिमोट जोड़ दो तो मैं तुमसे वापस ले लूं। मुस्कान नामक चिड़िया फिर प्रेताली के अदरों पर बैठी थी। रिमोट की ताकत से मैं परिचित हो गई, वो तो अब तुम्हें कभी मिल ही नहीं सकता। सख्ती से भिजे जबड़ों से निकले तूफानी शब्द। मैं मुन्ना की खातर शूट कर दूंगा तुम्हें, वैसे भी समाज के नाम पर कलंक हो तुम सारे। साथियों ये मुझे शूट करेगा। कहकाओं, इन कहकाओं का क्या अर्थ था ना जान सका इंस्पेक्टर नंबूरी। नहीं। कर मुझे शूट, पर उधर देख ले पहले क्या दिखाना चाहती है प्रेताली नंबूरी को। कहकाओं का अर्थ जब आया समझ में तो उसके हलक की दहाड़ के साथ ही दहाड़ उठी उसकी रिवॉल्वर भी। पापा, 6 बार दाढ़ी थी रिवॉल्वर पर, रिवॉल्वर की धार से ना मरा और ना ही डरा व खौफ का रूप हुआ। धाए 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 धाए। मुन्ना, जाने कब बातों ही बातों में दबा दिया प्रेताली ने रिमोट। मुर्दा रोया और हुआ कर बैठा एक सनसनी केज हरकत। आ पापा, उछलते ही मासूम धमाकों में खो गया, ऐसा खोया कि दोबारा ना मिल सका। मुन्ना, फट गए थे सारे बम। क्रोध में पागल नंबूरी भी हुआ कर बैठा हुआ से टकराने की मूर्खता। वैशी तरिंद ने पकड़ लिया, हवा को भी लकवा मार गया निशंसता की हद देख। सड़प से हड़प गया वह नंबूरी को। फिर छा गई शांति, ऐसी शांति की चीटी भी सर के तो बम की सी आवाज लगे। छाई हुई शांति में गिराया अशांति का गोला लांचा ने। प्रेताली, हवा को गायब करो वरना वह हमें भी खा जाएगा। लो अब कोई नहीं जान पाएगा कि हवा हमारे हाथ कैसे लगा। अब हम इसके बल पर ऐश करेंगे। बैंक जहां सिर्फ सोना ही रखा जाता था, आज गोल्ड बैंक शायद बनने जा रहा था बैगर बैंक। बेरहम लुटेरों ने आते ही गोलियों से वातावरण गर्म कर दिया। ता 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 ता, भागो, भागो लुटेरे। बैंक में घुसे तो हर एक के चेहरे पर चढ़ा था गैस मास्क और हाथ में थे गैस बम। जहरीले धुएं से भर डाला बैंक का कोना कोना, फटाक। गैस छटी तो जो जहां था वह वहीं का वहीं लुढ़क गया। लिटोरियो ने खोल दी सोने की तिजोरी। सारा गोल्ड इकट्ठा कर लो, बाप का माल समझ सारे बैंक का सोना समेट डाला। लो भाई, हो गई तिजोरी खाली, शाबाश। अब फटाफट दो तीन जने इसे उठाकर वैन में ले चलो। अचानक धप की आवाज ने चौंका डाला सभी को। कौन है बे? सबके तिरपन कांप गए, सबके रोंगटे कुश्तियां करने लगी, आंखें फटी की फटी रह गई। लहू ने नसों में दौड़ते दौड़ते जैसे दम तोड़ दिया। थरथराते लबों पे उभरा एक ही नाम, हवा। दहशत, आतंक, खौफ, डर। उफ,
ये तो वही शैतान है जो बुराड़ी चौक में तहलका मचाया था। आतंक का व्यापारी मजे से खा रहा था उनका हराम का माल। वह सब थोबड़ा उठा के देखते ही रह गए। और जब तक उन्हें कुछ समझ में आता, हवा उनका लूटा हुआ सारा सोना टकार चुका था। ओह डागा, वह हमारा लूटा हुआ सारा गोल्ड हड़प गया। मुंह तोड़ दो इस साले का, इसके पेट से सारी हथड़ियां निकाल लो इसकी। कुछ भी हो सकता है, समझ में नहीं आ रहा क्या है इतना कटा हुआ है। हुकुम की गुलाम गने पागल उठी, अंगारे अंगारे भड़क उठे। मुर्दे का कर्कश रुदन कान फोड़ने लगा। हिंसक स्वर में गुर्राया कंकाल पंजा। चिचिया उठा डरावने चमगादड़। अजगर की फुंकारें दहशत पैदा कर रही थी। यह सब गोलियों का असर नहीं था, बल्कि यही तो निशानियां थी हवा के हमले की। वह महशैतानी रूप सभी के थोपड़े पर 12 बजा रहा था। अबे छोड़ पेंट को, हम सबकी पेंटों का ऐसा ही हाल है, अभी तो इसके बारे में सोचो। शहर में जमा हो गया था भीड़ का रेला। क्या हुआ? बैंक में लूट हो रही है, पुलिस को फोन तो कर दिया पर पता नहीं कब आएगी। अरे आ जाएगी पुलिस यार, पहले डकैती तो पड़ जाए। प्रेत अंकल, अंकल आप बैंक को लूटने से बचा बचा लो ना। जैकब बढ़ चला बैंक की ओर। बूढ़े अंकल, देखना मेरे प्रेत अंकल कैसे ढिशुम ढिशुम करके डकैतों को भगाते हैं। कहाँ है तेरा अंकल, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और वह अंदर कैसे जाएगा, दरवाजे तो अंदर से बंद है बिटिया रानी। मगर प्रेत अंकल के सामने दरवाजे की मजबूती दम तोड़ गई। भाग धड़ा हिल उठा जैकब भी उस दहशतनाक नजारे को देखकर। ओह नो, अरे बचा लो रे दरवाजा तोड़कर आने वाले। हवा का हमला हो चुका था और लुटेरे सिर चबाने की जगह ढूंढ रहे थे। मुर्दा सबको अपने जैसा बनाना चाहता था। मत रो मुर्दे, तेरा रोना ड्रैकुला की हंसी फेल कर रहा है और मेरा हार्ट। हैवान ने टांडम मचा रखा था। आ भच, प्रेत अंकल दहल उठा उस खूनी कारनामे को देखकर। नहीं, लुटेरों से ज्यादा जरूरी है शैतान को खत्म करना, यह तूफान ला देगा। बाहर निकलकर तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हवा के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा है आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आप देख ही रहे होंगे कि फॉन्ट्स कितने कटे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके दूसरे भाग में अगले वीडियो में।